सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो ना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो ना, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। वहाँ से बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके, सो वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ना यहाँ पे लाइट मोशन में आने बाद प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ओके, 916 के साइज में, और यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड मीडिया वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको किसी एक फोटो को ऐड करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है एंड शेयर के आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एचपीएनजी में सेलेक्ट करके स्पोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके, आपको सेव कर लेना है। ओके, इस फोटो को सेलेक्ट करके डिलीट करना है और यहाँ से बैक आना है और बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर इमेज लिखा हुआ ना, इस पर क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है। इस यहाँ पे टैक्स इस पर क्लिक करना है और ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और जो आपने फोटो को क्रॉप किया है उस फोटो को सिलेक्ट करना है। तो वो आपको अलाइट मोशन फोल्डर में मिलेगा, तो आपको उस अलाइट मोशन ऊपर में ही मिल जाएगा, क्योंकि आपने नया ही मतलब न्यू अभी तुरंत क्रॉप किया तो सबसे ऊपर में ही मिलेगा। तो आपको फोटो सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है, तो इसमें इस प्रकार से फोटो एड हो जाएगा। ओके, तो फिर आपको इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ पे 4.14 सेकंड पे जो बीट मार्क है इस पर आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी नॉर्मल फोल्डर को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिसमें आपका नॉर्मल फोटो है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको फोटो एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को एड करना है, ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है, ऊपर से डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, इस वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ से फोटो को ट्रिम करना है। सो गाइस, यही प्रोसेस है हमारा फोटो ऐड करने का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो आपको अपनी सही फोटोज़ को ऐड करते रहना वन बाय वन करके। तो मैं यहाँ पर जल्दी सही फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा फोटो है नहीं, तो इतना ही फोटो तो मैंने ऐड कर लिया है। और फोटो ऐड करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है, अब यहाँ पर इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीन लेयर को सिलेक्ट करना है और इस डबल आइकन पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर करना है और यहाँ से बैक आना है, बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और शुरू में ही आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करके पेस्ट थ्री लेयर कर देना है। सिलेक्ट करके लास्ट में चले आना है और यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रखना है, ऊपर के तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है, इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसका लेंथ लास्ट तक लेके आ जाना है। ओके, तो यहाँ से बैक आना है, फिर से फिर प्रीसेट को ओपन करना है और यहाँ पे सबसे नीचे में जो इमेज है इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना और यहाँ से बैक आके बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जो इमेज स्टार्ट हो रहा है 4 सेकंड से, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, इसी प्रकार से इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, इसी प्रकार से इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो इसी प्रकार से आपको सही फोटोज़ को, यानी कि यहाँ पर जितना फोटो आपने एड किया है सही फोटोज़ में, आपको वन वन करके सही फोटोज़ में इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे जल्दी इन सही फोटोज़ में इफेक्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है, अब उसके बाद आपको ऊपर शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।